क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति का परिचय एक्सरसाइज 8.2 का लास्ट क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन की बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन से सत्य हैं या असत्य स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स और बेटा जस्टिफिकेशन भी हमें देनी है औचित्य भी देना है कि क्यों ये सही है और क्यों ये गलत है। देखिए साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए प्लस साइन बी आप इसे कर देखिए ठीक है ये असत्य है ये फॉल्स है फॉल्स असत्य। अब आप यहां लिखिए क्योंकि अब देखिए बेटा साइन 30 प्लस 60 मान रख दिया मैंने इक्वल्स टू साइन 30 प्लस साइन 60 जहां ए था वहां मैंने 30 रख दिया जहां बी था वहां मैंने 60 रख दिया अपनी तरफ से मैं मान रख रहा हूं आप भी रख सकते हैं कोई भी मान बेटा साइन कितना हो गया ये 90 हो गया और ये कितना हो गया साइन 30 का मान होता है 1/2 और प्लस साइन 60 का मान होता है √3/2 ठीक है बेटा। अब देखिए आपके पास में साइन 90 का मान होता है बेटा 1 मगर इसका मान क्या होगा एलसीएम आने पर 2 2 के पारे में 2 आता है एक बार में 1 चला जाएगा 1 प्लस और ये आ जाएगा √3 क्या ये दोनों बराबर है नहीं इसीलिए मैंने लिखा असत्य समझ गए बात को तो ये दोनों बराबर नहीं है ना। आगे अगला बोल रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस जैसे जैसे हम थीटा बढ़ाते जाएंगे जैसे जैसे हम कोण बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे मान में वृद्धि होगी बिल्कुल सत्य है। देखिए सत्य यानी ट्रू क्योंकि बिकॉज साइन 0° इक्वल्स टू होता है 0 एंड साइन 90° इक्वल्स टू होता है 1 आपने मैंने पहला और आखिरी लिख दिया। अब साइन 30 भी लिख सकते हो कि 1/2 जो 0 से बड़ा होता है तो जैसे जैसे हम थीटा बढ़ाते जा रहे हैं जैसे जैसे हम कोण बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे मान बढ़ते जा रहे हैं समझ गए बात को ठीक है बेटा। नेक्स्ट थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है द वैल्यूज ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस बेटा यहां पर देखिए ये आपका जैसे ये सत्य है तो ये असत्य है क्यों ये फॉल्स क्यों है तो यहां पर भी आप लिख सकते हैं क्योंकि कॉस 0° होता है 1 और कॉस 90° होता है 0 कहने का मतलब है कि जैसे जैसे आप कॉस के मान डिग्री के मान बढ़ाते जाएंगे थीटा के मान बढ़ाते जाएंगे आपके मान आपका जो मान है उनका वो घटता जाएगा। कॉस में उल्टा होता है बेटा 1 से 0 पर चलते हैं साइन में हम 0 से 1 पर चलते हैं। नेक्स्ट है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा होता है बिल्कुल नहीं बिल्कुल गलत है। देखिए इसके लिए मैं लिख रहा हूं असत्य और कारण भी लिखूंगा यानी कि फॉल्स। अब कारण लिख रहा हूं बेटा ध्यान दीजिए मैंने लिखा कि साइन 0° इक्वल्स टू कितना होता है 0 लेकिन कॉस 0° इक्वल्स टू कितना होता है 1 होता है समझ गए और साइन 30° इक्वल्स टू होता है 1/2 बट कॉस 30° इक्वल्स टू बेटा कितना होता है √3/2 यहां एक मान आपका बराबर होता है जहां आप साइन 45° इक्वल्स टू होता है कॉस 45° क्यों क्योंकि इसका मान साइन 45 का मान भी होता है 1/√2 और इसका मान भी होता है 1/√2 ये बराबर है परंतु ये बोल रहा है कि सभी मानों पर तो बराबर नहीं इसीलिए ये असत्य है फॉल्स स्टेटमेंट है। लास्ट इसका बोल रहा है ए 0° पर कॉट ए परिभाषित नहीं है कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल्स टू 0° बेटा जब आपके पास में कॉट 0° होता है तो वो परिभाषित नहीं होता क्योंकि उसका मान होता है 1/0 ठीक है और हर कभी भी 0 नहीं आता तो हम इसको बोलेंगे कि ये सत्य है यानी कि ये स्टेटमेंट ट्रू है समझ गए बात को ठीक है ना अपरिभाषित होता है 1/0 समझ गए बात को। तो बेटा ये आपका फोर्थ क्वेश्चन के पांचों सत्य और असत्य ट्रू एंड फॉल्स खत्म होते हैं और इस तरह से आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। होप आपको ये पूरे क्वेश्चन समझ में आए होंगे इससे पहले की वीडियोस वाले क्वेश्चंस भी समझ में आए होंगे। जिसने मेरी फर्स्ट वीडियो के जो टेबल मैंने जब समझाई थी उसमें जब अगर आपने ध्यान दिया होगा इन सारे सत्य असत्य ट्रू फॉल्स पर बहुत अच्छे से उसमें बात हुई है
सारी चीजें उस टेबल के साथ साथ, क्योंकि टेबल से जुड़े हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, नोट कीजिए, जय हिंद।